congratulations for your feat in the Bollywood mein. Thank you so much. And let us know about your journey. Ki aapke journey kaisi thi, ki participants and then winner. How was it? The whole journey was awesome. Bahut achhi journey thi. Starting se leke end tak ki journey bahut zyada achhi thi. Jitne bhi hamare grooming sessions hue, unse humne bahut kuch sikha aur bahut positivity mili unse. बहुत कुछ सीखा हमने और सब कंटेस्टेंट्स बहुत अच्छे थे. सो चंडीगढ़ से और भी कंटेस्टेंट्स थे या यू वर द ओनली वन? नहीं, चंडीगढ़ से और भी गर्ल्स गई हुई थी. चंडीगढ़ से बॉयज भी थे और गर्ल्स भी थी. देयर वाज वन पर्सन सरबजीत सिंह. या सो यू मेट हिम? हां, आई मेट. सो आपकी फ्रेंडशिप्स लाइक इट सीम्स टू बी कि आपकी फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग रही है इस. हां, बहुत सबके सब कंटेस्टेंट्स बहुत फ्रेंडली थे, सबके नेचर्स बहुत अच्छे थे और सब बहुत अच्छे थे. मतलब बात करते थे, रहते थे, जो भी था बहुत अच्छा था. इस पेजेंट से भी पहले आपने कहीं मॉडलिंग वगैरह कर रखी? नहीं, इससे पहले मैंने कुछ नहीं किया. दिस इज़ द फर्स्ट वन और ये मेरा पहला ब्यूटी पेजेंट है. मतलब पहला टाइटल है जो अभी तक मुझे मिला है और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरा अभी तक का. इस अचीवमेंट के बाद डू यू थिंक आपकी लाइफ चेंज होगी या इससे पहले जैसे थे अब चेंज हो सकती है? चेंज हो गई है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा चेंज होगी. ये भी है. किस सेंस में चेंज? मतलब पहले मैं बहुत ज़्यादा नॉर्मल थी, ना नॉर्मल टाइप गर्ल जो होती है मैं नॉर्मली थी. मतलब उसके बाद मुझे ये क्राउन मिल गया. बहुत अच्छी स्पेशल वाली फील आती है इसको पहनने के बाद. और उसके बाद मैं बॉलीवुड में एंटर कर रही हूँ अभी, तो टिकट टू बॉलीवुड मिल गया है. तो इससे अच्छी और अमेजिंग फीलिंग कुछ और हो नहीं सकती है. मैंने डी ए वी कॉलेज सेक्टर 10 से ग्रेजुएशन किया था. फिर तो आप गेड़ी रूट में बोल. हाँ, गेड़ी रूट तो मतलब ये है ना कि चंडीगढ़ में जब तक आप गेड़ी रूट पे ना जाओ तो आपका पूरा दिन कंप्लीट नहीं होता. तो आप रोज़ ही जाते होगे वहाँ पर? हाँ, कॉलेज टाइम में तो मैं रोज़ ही गेड़ी रूट पे ही होती थी. उनको स्टडीज़ में ज़्यादा ध्यान था या गेड़ी में ज़्यादा ध्यान था? दोनों में बैलेंस था. बैलेंस था, इक्वल इक्वल. आप बॉलीवुड में जाना आपका ड्रीम था जिस वजह से आपने इस पेजेंट में पार्ट लिया एंड यू वन. सो डू यू थिंक कि बॉलीवुड में देयर आर थिंग्स लाइक कॉम्प्रोमाइज या ये चीज़ें होती है? सो डू यू थिंक इट वुड इफेक्ट यू या हो सकती है आपके साथ या इज दिस राइट और इज दिस रॉन्ग? हाउ इज इट? मैं अब बहुत पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स रख रही हूँ अपने दिमाग में. तो ऐसा है कि बॉलीवुड में एंटर करना है. मेरा जो बॉलीवुड का ये जो पेजेंट था स्टूडियो 19 की तरफ से ऑर्गेनाइज था. कंपनी के साथ हमारा टाइप हुआ है विनर्स का, तो जो भी कंपनी हमें काम देगी हम वो काम करेंगे अभी तो फिलहाल. उसके बाद जो भी होता है लेट्स सी. सो अब ऑब्वियसली यू हैव टू बी ऑल ग्लैम्ड अप, मेकअप एंड हाई हील्स. इससे पहले आप नहीं पहनते होंगे आई गेस? तो यार इससे पहले हील्स पहनती थी बट इतना नहीं. अभी तो क्या है ना कि मतलब आपको कहीं भी जाना है मतलब कि आपको हील्स ही पहननी है और मेकअप करना है इतना सारा. मतलब अच्छा लगता है, बुरा लगता है, मतलब क्या है? थोड़ा सा होता होगा. बुरा नहीं लगता है बट अच्छी फील ही आती है. बुरा तो कुछ भी नहीं लगता, बस ये है कि जब थोड़ा पाँव में दर्द होता है तो फिर पता चलता है कि यार हाँ हील्स पहनना इतना भी इजी नहीं है. सो हाउ इज़ द रियल यू? लाइक आप बॉलीवुड में तो अलग अलग कैरेक्टर्स डिस्प्ले करेंगे. व्हाट इज़ योर नेचर लाइक? व्हाट इज़ योर रूटीन लाइक? हॉबीज क्या? मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, फन लविंग हूँ. खाने का शौक है बहुत ज़्यादा, घूमने फिरने का, शॉपिंग का बहुत ज़्यादा शौक है जैसे वो हर लड़की को होता है. मेकअप तो करने का शौक मुझे हमें बचपन से. बस ये है कि मैं म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है मुझे. किस टाइप? रोमांटिक, लव सॉन्ग, गजल्स, पुराने गाने, सब सब सब. अभी आपकी प्लेलिस्ट में कौन सा सॉन्ग चल रहा है? अभी मेरी प्लेलिस्ट में कोई सॉन्ग नहीं चल रहा है फिलहाल, जब से मैं ये पेजेंट जीता है मैंने, जब से मैंने ब्यूटी पेजेंट किया है उस अभी तक तो मेरा सॉन्ग्स कोई भी सुना ही नहीं है. कोई कौन सी मूवी आ रही है कुछ नहीं पता है अभी फिलहाल. मैं अभी बैक टू द फॉर्म आना है. हाँ. तो आपने कहा आपको खाने पीने का शौक है, बट जिस हिसाब से आप दिखते हो लगता नहीं है इतना खाते हो. सो यू हैव टू मेंटेन अ स्पेशल डाइट, लाइक कुछ डाइट प्लान भी होता होगा? हाँ, डाइट अभी मॉडल्स का. जब से मैं ये ब्यूटी पेजेंट जीतूँ, मैं पहले की बात करी थी, आपने पूछा ना कि पहले क्या नॉर्मली कहती हूँ, तो खाने पीने का शौक तो सबको होता ही है, बट ये है कि अभी थोड़ा डाइट कंट्रोल करना पड़ता है. अभी जो भी जो मन करता है, जो भी दिखता है वो खा नहीं सकती हूँ. थोड़ा सोच के खाना पड़ता है कि ये नहीं खा सकते अभी. सो सीम्स लाइक आप
टैटू एंथुसियास्ट भी आप जो काफी टैटूज देख रहे हैं तो व्हाट इज द मीनिंग लाइक जो एक बैक पर है एक हैंड पर है व्हाट इज द मीनिंग जो मेरे रिस्ट पे है दैट मींस ये लैटिन लैंग्वेज में लिखा है एक्सपीरियंडिया डोसेट इट मींस एक्सपीरियंस टीचर्स और जो मेरे बैक पे टैटू है इट मींस पीस जितना भी यूथ है ना चंडीगढ़ का सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि शो टाइम अपना चैनल है उसको देखें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें थैंक यू सो मच. Thank you.